हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू आइडियल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रूई से भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली, और जिसे बनाने के लिए हमने दो कटोरी चावल, आधी कटोरी हमने अरहर की धुली हुई दाल और एक चम्मच हमने डाली है मेथी दाना। तीनों को हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब हमें उनका पानी सारा निकाल के और इनको मिक्सी में हमने जो है इसको पीस के एक फाइन बैटर बना लिया है। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम इस बैटर को जो है एक फॉइल पेपर से ढक के 12 से 13 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गर्मियों में ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है लेकिन सर्दियों में इन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। 12 घंटे हो गए, ये देखिए हमारा बैटर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया जो हमारा बैटर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम ले लेंगे जो है इडली का साँचा। इडली के साँचे को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, और फिर सभी साँचों में जो है हम आधी आधी चम्मच जो है बैटर डाल देते हैं। साँचे को हमें ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि इसमें जो इडली फूल के बाहर तक आ जाएगी। फ्रेंड्स, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक रेसिपी को इजी से इजी तरीके से बना के आपके सामने पेश कर सकूं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पतीले में हमने पहले जो पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम रख देंगे इडलियों का साँचा और इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। इडली का साइज छोटा है इसलिए ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इडली हमारी बन गई है। अब इसे हम चेक करते हैं नाइफ से। ये देखिए नाइफ बिल्कुल साफ है, इसलिए हमारी इडली बन के तैयार हो गई। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो है इडली बन के तैयार होगी। इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। इसे हम चटनी और सांभर दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के साथ आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे मौज इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।